आज तक आपने फिल्मों में हीरो को ऑटो वाले का रोल करते तो देखा होगा, पर आज हम आपको जिस ऑटो वाले की कहानी बता रहे हैं वो असल जिंदगी का हीरो है। जी हाँ, इंदौर के प्रदीप खैरात पेशे से एक ऑटो ड्राइवर हैं, पर उनका काम असल जीवन के हीरो जैसा है, क्योंकि प्रदीप ने लोगों की सेवा के लिए अपनी आजीविका के साधन अपने ऑटो को निःशुल्क एम्बुलेंस बना रखा है। इंदौर के प्रदीप खैरात पिछले कई वर्षों से ऑटो चलाकर अपना घर चलाते हैं, पर इस बीच ये अपनी अनूठी समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं और यह अनूठी सेवा आए दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बनती है। वैसे तो इनका ऑटो सवारी पर चलता है, पर जब इन्हें कोई लाचार या बीमार दिखाई देता है तो प्रदीप अपने ऑटो को निःशुल्क एम्बुलेंस में परिवर्तित कर देते हैं। मरीजों को इंदौर के साथ ही जहाँ भी आना जाना हो बिना किसी शुल्क उन्हें छोड़ कर आते हैं। प्रदीप से बात करने पर उन्होंने बताया कि पारिवारिक मजबूरी के कारण आर्थिक रूप से तो किसी की मदद नहीं कर पाता, परंतु ऑटो के माध्यम से ही उन्हें उनके पते पर निःशुल्क छोड़ देता हूँ। मैं अम्बाई के रास्ते वर्षों से अपनी ऑटो चला रहा हूँ। कई सालों से मैंने यह देखा कि यहाँ प्रदेश से गरीब लोग अपना इलाज करवाने आते हैं, किसी को रक्त की ज़रूरत होती है तो मैं उन्हें रक्त दिलवा देता हूँ, किसी को खाना चाहिए होता है तो हम सबको ऑटो वाले मिलकर भोजन भी करवा देते हैं। जब कोई गरीब परिवार आता है तो हम उसे निःशुल्क उनके गंतव्य तक पहुंचा देते हैं। ऐसा करके मुझे आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है और लगता है कि मेरा मानव जीवन सार्थक हो गया। अक्सर एम्बाई अस्पताल के स्टाफ या सामाजिक कार्यकर्ता मुझे फ़ोन करते हैं, कोई मानसिक विक्षिप्त जो कि अब स्वस्थ हो चुका है उसे सकुशल उनके घर तक पहुँचाना है, या फिर किसी भी मानसिक विक्षिप्त या असहाय को अस्पताल तक पहुँचाना है। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, अब यह मेरी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। तनखाना करने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास में 2 महीने से यहाँ पे बीमार था, हॉस्पिटल में अब डिस्चार्ज हो गए। हाँ सर, लेकिन मेरे पास में जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो इन भाई साहब ने मेरे को रिक्शे से ही वहाँ पे मंदिर तक छोड़ देंगे। मैं इनको भगवान का रूप मान आपने यहाँ पे जितने मरीज की छुट्टी होती है सर, तो ये भैया ही ऑटो से ही निश्वार छोड़ते हैं, इतने परोपकार करते हैं ये ऐसे भैया जो भगवान का स्वरूप है। अच्छा ठीक है, एक बार नाम बताइएगा। मेरा नाम राकेश वेरागी है। ठीक है, आपने अपने ऑटो के एम्बुलेंस बनाकर रखा है, लोगों का ऐसा कहना है, लगातार जो मरीज हैं उनको उनके घर पहुंचाते हैं, क्या कुछ है, कब से कर रहे हैं, कैसे प्रेरणा मिली और क्या शेड्यूल रहती है आपकी? सुबह 12 से शाम को 8 बजे तक मैं रहता हूँ, एम्बाई से ऑटो चलाता हूँ इंदौर शहर में, और एम्बाई से लावारिस बेसहारा जो भी मरीज रहते हैं जिनके पास पैसे नहीं रहते उनको मैं अपनी ओर से निःशुल्क कहीं पर भी 100 किलोमीटर के एरिया में छोड़ता हूँ। इंदौर है, देवास है, पीतमपुर है, मऊ है, इतनी दूर तक मैं अपने छोड़ते हैं, छोड़ता हूँ, सेवा देता हूँ निःशुल्क। अच्छा, तो ये काम कब से चल रहा है, कितने वर्ष हो गए? ये 4 साल कर रहा हूँ। 4 साल हो गए, 4 साल से निःशुल्क छोड़ता हूँ। तो ये नहीं लगता कि जैसे डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो रखा है तो ईंधन की खपत होती होगी, तो कैसे करता? तो होती है ना, अपनी जेब से करता हूँ। तो ये शौक है समाज सेवा करने? शौक है, समाज सेवा करते हैं, जिन गरीबों के पास पैसे नहीं रहते जाने के, जिन्हें 108 लेकर आती है जाने के घर तक के पैसे ही नहीं, उनको मैं सेवा देता हूँ अपनी ओर से। ये सब करके क्या मिलता है? अच्छा लगता है अपने आप को, संतुष्टि मिलती है, संतुष्टि मिलती है, लगता है कि है अपन मनुष्य। अभी भी 2 मरीजों को लेके जा रहे हैं? 2 मरीजों को ले जा रहा हूँ, एक को बापड़ छोड़ना, एक को निरंजनपुर, निःशुल्क छोड़ूंगा अपनी ओर से। ठीक है, नाम बताइएगा। प्रदीप खैरात। ठीक है।